नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। मेरे हाथ में एक कागज है। इस तरीके का कागज हम लोग बरसों से देखते चले आए हैं। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, इस कागज में एक बार फिर से लिखा है मऊगंज जिला नहीं बनेगा। तब तक आंदोलन प्रदर्शन धरने का दौर जारी रहेगा। हमारे साथ इस मसले पर, मऊगंज के मसले पर बात करने के लिए मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह जी। ये बताइए कि पिछले चुनाव की बात की जाए, जब आप विधायक हुआ करते थे, उस दौरान आपने मऊगंज को जिला बनाने के लिए किस तरीके की कार्रवाई की थी? मैंने सदन में ध्यानाकर्षण लगाया, मैंने सदन में संकल्प पारित कराया, मुख्यमंत्री जी से बात करी और उन्होंने कहा कि जब कोई भी जिला बनेगा तो मऊगंज का नाम उसमें आएगा। इसके बाद मैंने कई बड़े आंदोलन की, एक बार 18,000 की गिरफ्तारी दी, एक बार 37,500 की गिरफ्तारी दी, कई या बड़े बड़े आंदोलन किए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, शिवराज सिंह चौहान ने अचानक से निवाड़ी को जिला बना दिया। मैं बीच में आपको रोकूंगा। आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया तो मुझे अच्छे से याद है, मुख्यमंत्री ने पिछले चुनाव के दौरान खटखरी में एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में कहा था, आप अगर मुझे अपना विधायक दोगे तो मैं 15 दिन के अंदर आपको जिला दूंगा। उस बारे में और अपनी जो भी आप अधूरी बात कर रहे थे उसको जरा। मेरा ये कहना है कि मैंने फिर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कलेक्टर को कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसंपर्क यात्रा 6 महीने में होनी, हर विधानसभा में 230 विधानसभाओं में होनी, लेकिन मऊगंज वो तभी आएंगे जब जिले की घोषणा कर दी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता हूँ, उन्होंने 229 विधानसभाओं में दौरा किया पर मऊगंज में वो नहीं आए। इसके बाद चुनाव हुआ, चुनावी सभा में वो आए और उन्होंने कहा था कि आप जो है मुझे विधायक दो, मैं आपको 15 दिन में जिला दूंगा। लेकिन उनको मऊगंज की जनता ने विधायक भी दिया, लेकिन उनकी सरकार उस समय नहीं बन पाई। लेकिन ठीक 15 महीने बाद उनकी फिर से सरकार बनी। आज 15 महीने 2 साल लगभग बीतने के हुए वो हुए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मैहर की घोषणा करी और जिलाओं की घोषणा करी, उसको भी उन्होंने व्यस्त किया और साथ ही मऊगंज का नाम दूर दूर तक नहीं है। और मैंने ये देखा कि अभी देवास में उन्होंने बागली को जिला बनाने का नोटिफिकेशन कुछ ऐसा जारी किया। जैसे मुझे जानकारी लगी तो मुझे लगा कि नहीं, फिर से मऊगंज की बात मुझे ताकत से करनी चाहिए और मैंने उस बात को 20 तारीख को मऊगंज को जिला बनाने की बात हो रही। सवाल ये होता है, मऊगंज में ऐसा क्या है, किस वजह से रीवा से अलग करके आप मऊगंज को जिला बनाना चाहते हैं? मऊगंज में सारी चीजें हैं। मऊ जो जिला के लिए एक आवश्यक चीज चाहिए, वहाँ पे एडिशनल कलेक्टर बैठते हैं, वहाँ एडिशनल एसपी बैठते हैं, वहाँ पे माइंस है, रीवा जिले में आधा माइंस मऊगंज से आता है, बहुत सारी चीजें हैं, राजस्व है, सब चीज है। जो जिला बनने के लिए एक आवश्यक चीजें हैं वो मऊगंज में समझता हूँ, चाहे मैहर हो, चाहे आपका बागली हो, चाहे आपका निवाड़ी हो, जितने भी जिले बने, उमरिया जिला बना है आप वहाँ जाकर के देखो, उससे बेहतर स्थिति आज भी, पहले भी मऊगंज की थी, आज भी मऊगंज की है और मैं समझता हूँ जिले में बनने में कोई खर्चा नहीं है। मेरे हाथ में एक कागज, आमंत्रण जन आक्रोश आंदोलन, ये क्या है, इसमें किस तरीके का आंदोलन होगा, किस तरीके का जन आक्रोश? आप जैसा कि लोगों को जानकारी लगी कि बागली को जिला बनाया जा रहा है, मऊगंज का नाम नहीं है, उसी समय से मेरे ऊपर जनता का दबाव पड़ने लगा कि जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उनको हम लोग नहीं जानते क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन आपने जिले की लड़ाई लड़ी है और आप इस लड़ाई को आगे लड़िए। आपने कई मुद्दों, चाहे चौराघाट की बात हो, चाहे आपके सिविल अस्पताल की बात हो, चाहे अन्य रोडे, उसको हमने करवाया। बाणसागर और जिला कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मेरे अधूरे रह गए, तो जनता का मेरे ऊपर दबाव इस बात को लेकर के जनता आक्रोशित है और उसी के लिए हमने 20 तारीख को रखा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जनता का आक्रोश, आप सादर आमंत्रित हैं, वहां पर आएं और जनता से आप खुद पूछें और देखें। जनता का आक्रोश काफी ज्यादा है। एक बड़ा सवाल ये रह गया, और हालांकि आपने इस बात को दोहराया भी है, शिवराज सिंह ने घोषणा की थी पिछले बार कि हम 15 दिन में जिला बनाएंगे। अब निकट भविष्य में दूसरे चुनाव की तैयारी होने की भूमिका धीरे धीरे बनने लगी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, तो मुख्यमंत्री को लेकर मऊगंज की जनता क्या कुछ सोच रही है? मुख्यमंत्री सदैव मऊगंज के साथ 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई जरूरी नहीं कि अगर उनका विधायक रहे तभी जिला बने। विधायक चाहे जो ही रहे,
वो 163-63 का जन समर्थन उन्हें मिला, मुख्यमंत्री रहे और जिला चाहते तो छुट्टियों में बना देते, लेकिन वो जानबूझ करके मऊगंज के साथ छलावा कर रहे हैं। अनवरत उस बात पर वो कायम है, जाते बोलते कुछ और है, करते कुछ है। अभी उनका रहगांव में चुनाव है, वहाँ जाइए, हजारों घोषणाएं करके गए, जितनी घोषणाएं पूर्व में करी एक भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। मैहर को जिला बना था उसको निरस्त किए, मैहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे उसको नहीं बना पाए, तो वो सारी बात झूठ बोलते हैं और झूठ को पुलिंदा मऊगंज की जनता समझ रही है। इसीलिए इस बात का दबाव है, इसको हम लोगों को पूरी ताकत से लड़ना चाहिए और अब इस बार 2023 के पहले पहले जिले की घोषणा करवानी है। जिले की घोषणा 2023 के पहले हम करवा लेंगे, मऊगंज की जनता हमारे साथ है निश्चित रूप से। जब भी 20 सितंबर को जो आयोजन होगा ये अपने आप में ये साबित करेगा कि मऊगंज की जनता क्या चाहती, हमारी 20 सितंबर पर भी नजर रहेगी, वहाँ जो कुछ भी होगा हम आप तक निश्चित रूप से उस बात को भी लेकर जरूर आएंगे। तब तक अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।